मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। यूपी बिहार समेत 11 राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी। मेघालय में रेड अलर्ट। पूर्वी यूपी बिहार मेघालय समेत देश के कई राज्यों में आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा। 48 घंटे के दौरान पूर्वी यूपी बिहार में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, तो वहीं 8 अगस्त को पूर्वी यूपी में भी 9 अगस्त तक बारिश होगी। अति भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने मेघालय में जारी किया है। आईएमडी ने ट्वीट कर बताया कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने भविष्यवाणी करते हुए पूरे भारत में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। 9 अगस्त तक इन राज्यों में होगी बारिश। मौसम एजेंसी ने अपने बुलेटिन में कहा कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिनों तक हल्की से भारी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि मध्य भारत में, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। यूपी के इन जिलों में भारी बारिश। पीलीभीत, शाजापुर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर और इसके आसपास के इलाकों में अगले 3 घंटों में तेज गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। तो वहीं 8 अगस्त से पूर्वांचल में जमकर बरसेंगे बादल। प्रदेश के पूर्वांचल भाग में आज अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, बलिया, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर में आज ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। 17 इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ। छत्तीसगढ़ के भी 12 से अधिक जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। लोगों को सलाह दी गई है। वहीं अब 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सहित पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में मध्य बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई। राजस्थान में कई जगह पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई। राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। 8 और 9 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 11 और 12 अगस्त को बीकानेर और जोधपुर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। आगामी 7 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बिहार के इन जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक पटना, गया, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, नालंदा, शेखपुरा, पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नवादा सहित दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व बिहार के अधिकतर स्थानों पर झमाझम बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इस दौरान वज्रपात और ठनका गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम की हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।